सुबह 4 बजे आँख किसकी खुल जाती है? स्वाभाविक 4 बजे अलार्म से खुलती है, अलार्म से या ऐसे ही बिना अलार्म के खुलती? अच्छी बात है। किसको ऐसा लगता है कि आप 4 बजे झपक के झक जाते हो? कितनों को लगता कि ऐसे उठ जाना? अच्छी बात है। जितने भी बजे आपको ऐसा लगे फिर से सो मत जाओ, बैठे रहो थोड़ी देर, जितनी देर बैठ सकते हो। स्थान का अपना प्रभाव होता है और जब रहते रहते चित्त थोड़ा सा शुद्ध होने लगता है तब गुरु की शक्ति काम करती है। तो मानिए कि जो लोग स्वाभाविक ही सुबह 4 बजे जगने वाले जग जाते, आँख खुल जाती है, बड़े आराम से शांति से आप सो रहे हो और आपको लगता है कि कुछ है, कोई जगा रहा है ना, वो जो कोई जगा रहा है वाला जो फीलिंग आता है या जो सहज में आप जग जाते हैं, तो आप सौभाग्यशाली हैं कि गुरु आपको जगाते हैं। वो शक्ति आपको जगाती है आपकी उन्नति के लिए। तो ऐसे समय में सोना नहीं। शायद आपको घर में ऐसा नहीं होता होगा, यहाँ पर होता होगा। कितने लोग हाथ ऊपर करो, करेक्ट। तो अगर ये स्वाभाविक प्रक्रिया है तो इस स्वाभाविक प्रक्रिया में विघ्न नहीं डालना चाहिए। आप अगर कुछ मत करें, बैठे रहेंगे तभी भी वो अपना काम करती है, ऊर्जा अपना काम करती है, शक्ति अपना काम करती है, उसे करने दीजिए। जितने बजे जगाया है उतने बजे बैठ जाइए। जगाने का प्रकार अलग हो, कोई लोग वॉशरूम के लिए उठते हैं वो अलग चीज़ है, वो इसमें कंसीडर नहीं किया जाता। पर जो ऐसा लगता है ना कि नहीं, ये जो ऐसी चीज़ होती है, तो इसका अर्थ ये है कि आपको गुरु की कृपा जगाती है। अगर वो जगाने पर तुलती है तो आप सोए क्यों रहो? जब वो काम करना चाहती है तो उसे मदद रूप हो। जितने भी बजे हों, चाहे 2 बजे हो, 1 बजे हो, 3 बजे हो, 4 बजे हो, उठ कर बैठ जाओ। आप महसूस करोगे, अगर तो हमारी सूक्ष्मता ज़्यादा है तो हम महसूस करेंगे कि हाँ, हमारा चित्त बिना कुछ किए बड़ा शांत है, बिना कुछ किए कुछ नहीं, कुछ है हमारे इर्द गिर्द जो हमें, हमको जगाया, कोई है हमारे इर्द गिर्द जो पास में है। वो आभास भी होता है शिष्यों को, जब कनेक्शन बहुत अच्छा होता है तब। बस कनेक्ट बनाए रखिए और उसको उसका काम करने दीजिए। जब आप मोबाइल डेटा ऑफ ऑन करते हो ना, तो कौन सा आपको टावर से वायर खींच के लानी है? जितनी बार स्विच ऑफ करते हो या मोबाइल डेटा ऑफ करते हो, फिर वापस जब ऑन करते हो, तब कौन सा आप बार बार वो टावर पे चढ़ के टावर से खींच के ले आते हो? नहीं ना, नहीं करते हो ना ऐसा। आपको केवल ऑन ही रखना है, वो अपना काम कर रहा है कि नहीं? तो बस हमारा एक बार कनेक्शन स्थापित हो जाता है, उसके बाद काम तो उसने करना है, हमने तो कुछ नहीं करना, हमें सहभागी होना है बस। आज रात को ऐसी टेंशन में मत सोना कि देखो हमें तो नींद ही नहीं खुलती है, हम लोगों के पर शायद कृपा नहीं है, तो आज शायद ना मेरी 2 बजे आँख खुल जाए, हो सकता है 3 बजे खुल जाए। उस टेंशन में सो जाओगे और फिर 3 बजे उठोगे कि हाँ देखो मैं भी उठ गया ना, उससे मज़ा नहीं आएगा। हाँ, वो वाली बात नहीं बनेगी उसमें। हाँ, ऐसा करने जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। सहज में हो रहा है तो बढ़िया, करने जाएंगे तो बात नहीं बनती। पर उस स्तर तक पहुंचना है हमको, जिसका नहीं होता ऐसा, उस स्तर तक पहुंचना है, तब अद्भुत अनुभूतियां होती है।
उसके लिए हम अपने हृदय को तैयार करें। ये जीवन एक आध्यात्मिक यात्रा के लिए ही तो मिला है। किस लिए मिला, किस लिए? इसका उपयोग अगर बहुत शांति से विचार करके देखेंगे ना आप, तो आपको कहीं इसका उपयोग ही समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा शायद धन उपार्जन करने के लिए, तो पर धन उपार्जन करते तो काम तो नहीं आता, मतलब लेके तो नहीं जाते साथ में, शायद बाल बच्चे पैदा करने, बच्चे तो मानते नहीं बड़े होके। फिर आखिर तात्पर्य क्या हो सकता है इसका? आप खोजो ना अगर थोड़ा, तो आपको खुद को प्रैक्टिकल आपके जीवन को देखते हुए पता चलेगा कि जीवन का उपयोग ही क्या है, क्या उपयोग है इसका। तो विषय भोगों के लिए शायद मिला हो कि भगवान ने बनाया, चलो आनंद करो, तो फिर विषय भोगने के बाद हम इतने कमज़ोर ऊर्जाहीन क्यों हो जाते अगर उसमें कुछ होता तो? और फिर क्या, चलिए फिर, मतलब उद्देश्य क्या? भोग लिया फिर ठीक है, ये भी देख लिया, उससे मन उब गया, वो भी देख लिया, उससे मन उब गया, फिर क्या? तो आपको एक ही उत्तर मिलेगा कि इस जीवन की पूरी यात्रा ही आध्यात्मिकता है। आपको हर चीज़ अध्यात्म की ओर मोड़ती है। आप जब किसी से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, हृदय दुख जाता है, दुब जाता है, तब कमज़ोर पड़ते हैं, आपको कौन याद आता है पता है? सब छोड़ो, शांति लो, सब छोड़ो, कुछ नहीं चाहिए। क्या है ये? क्या है ये? आपके भीतर की आध्यात्मिक मांग है जो समय समय पर उभर कर आती है। पर थोड़ा फिर सो ठीक ठाक हो जाता है, आप ठीक हो जाते हैं, लगे नहीं रहते ना उस पर। वरना हर व्यक्ति जब परेशान होता है तो हर व्यक्ति की एक ही मांग होती है, ओके, सुख में होते हो जब आप, तब सुख में हर व्यक्ति की अलग अलग इच्छा और चाहना हो सकती है। किसी की घर की है, किसी की परिवार की है, किसी के पैसे कमाने की है, किसी की फॉरेन जाने की है, किसी को प्रोफेसर बनने की है, किसी को परीक्षा पास करने की है। ना जितने लोग बैठे हो उतनी आशाएं, अपेक्षाएं, इच्छाएं, कामनाएं भिन्न भिन्न होती है, हो सकती है। पर जब आप परेशान होते हो तब सबकी इच्छा एक ही होती है, उसमें सब में समानता। क्यों? क्योंकि सब आध्यात्मिक यात्रा को चाहते हैं, इसीलिए सब में समानता है। कोई भी इंसान परेशान होगा, वो चाहे फॉरेन का हो, तभी वो एक ही चीज़ की मांग करता है, शांति, है ना, सुख, आनंद। चाहे वो एप्पल कंपनी का सीईओ हो तो नीम करोली बाबा के पास पड़े रहने का तीन तीन दिन, चार चार दिन क्या अर्थ होता है ना, इतने बड़े आदमी के पास। अभी वो सुना मैंने, विराट और अनुष्का, ये भी नीम करोली बाबा के पास गए, हनुमान जी के मंदिर में गए, क्या चीज़ है वो? सबकी एक ही मांग क्यों है फिर? उनके पास तो कोई पैसों की कमी नहीं है, पर आप अगर इस पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि हम सभी की, चाहे वो धनाढ्य हो, चाहे वो योगी हो, चाहे वो विरक्त हो, चाहे वो अमेरिका की भौतिक सुख सुविधाओं में पला बड़ा हो, सभी व्यक्तियों की एक ही जगह पर आके सुई अटकती है, और वो है शांति, है ना? ऐसा कौन व्यक्ति है कि पूरे जीवन काल के दौरान हजारों बार शांति की खोज ना की हो, चाहे वो विकारों से परेशान होके हुआ हो, चाहे वो मन से परेशान होके किया हो, चाहे इमोशनल हुआ हो, चाहे भावुक हृदय हुआ और कहीं से दर्द पीड़ा हुई हो, शांति की मांग किसने नहीं की है? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसने अपने पूरे जीवन काल के दौरान शांति ना चाही हो?
बहुत कुछ है, सब कुछ है। तो इस बात को समझना और समझकर उस रास्ते पर लगना। समझते तो बहुत लोग हैं, लगते उससे कम लोग हैं, चलते उससे भी कम है, पहुंचते उससे भी कम है। पर अगर कोई लगा रहे ना, लगा रहे और वो कहते हैं ना कनेक्शन छोड़े नहीं तोड़े नहीं, तो फिर तो आप गुरु के कारना में देखते रह जाओ। ये उसने करना, हमने नहीं करना। लगे रहना, बस लगे रहना चाहिए। ये क्योंकि माया है ना, बहुत ही ठगनी है, बहुत सारे प्रकार के प्रलोभन देती है। आपको खुशियों के माहौल देगी, आपको मित्र ऐसे देगी, पत्नी ऐसे देगी, परिवार ऐसा देगी कि आप उलझ ही जाओगे। आपको लगेगा बस यही सार है और यही जीवन है। पर गुरु की कृपा है, वहाँ पे भी डंडे जरूर मारेगी अगर तो आपने कनेक्शन साधा है तो। डंडा मारेगी ना तो उस डंडे में भी मज़ा है, डंडे में भी मज़ा है। तब समझ नहीं आया मले, पर डंडे में भी मज़ा है।